नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने बड़े भाई नारायण सिंह जी नागर जी के पास आया हुआ हूं। यहां इनकी सूर्या किस्म IPM 512-1 देखने आया हूं। भाई साहब, ये किस्म लगी हुई है यहां पे, और यहीं आगे वाले प्लाट में जस्ट बगल में पूसा की 1641 लगी हुई है। तो हम दोनों किस्में देखेंगे, कंपेयर करेंगे। और बाकी भाई साहब देखो, मुझे तो ज़्यादा किस्मों के बीजों के बारे में इतनी जानकारी रहती नहीं है, इसलिए मैं किसानों से मिलता हूँ, खुद भी जानकारी ले लेता हूँ, आप लोगों को भी दे देता हूँ। तो भाई साहब से हम पूछेंगे कि अभी फ़िलहाल में सूर्या में भाई साहब कितने दिन हो चुके हैं? ये 27 मार्च की बोनी थी जी, ये थी तो अप्रैल पूरा जी। आज कितना 23, तो 30 और 23 53 और 356 दिन की बोनी हो चुकी है, और ये करीबन 10 दिन तो अभी और ले रही है, है ना। तो ये 65 डेज में कटेगी, 65-67 डेज में कटेगी। अभी पानी कितने हो चुके हैं इसमें? इसमें ऊपर वाले के अलावा तीन पानी जो ऊपर से गिरा था, उसके अलावा 3 पानी और दिए हैं। जी जी जी। तो जो ऊपर से गिरा था वो भी उसी टाइम पे गिरा था जब हम देना चाह रहे थे जी। तो एक तरीके से वो उसने भी एक पानी की पूर्ति करी, तो उसको अगर मानो तो 4 पानी इसमें हुए हैं। और हाइट भाई साहब बहुत मुझे ज्यादा समझ आ जाइए, सम्राट से ज्यादा है जी। और इसको आप कह सकते हैं शिखा वाली हाइट है। ज्यादा नहीं पटेलता जी, शिखा जो हाइट लेता है वो ही हाइट ये भी लेती है। और यहाँ पे अभी फिलहाल में ये आप देखेंगे तो पानी, ये लास्ट पानी है। हाँ, ये अभी दिया है, अभी ठंडा ही खेत है। बस एक मिनट भाई रोकना। और हाइट देखें आप, मतलब जांग से ऊपर जा रही है। और पूरा पौधा मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बढ़िया फला हुआ है, पौधा भी एकदम जंटील से ही दिखाई दे रहा है। और बाकी देखो भाई साहब, नई किस्म रहती है, ये काली फलियाँ हैं इसकी। ये दाने निकालना आप खड़े, शुरू हो गई है। काली फलियां हैं और आ गई है। बाकी देखो पानी दे दिया है, तो ये कल के वापस चल गए हैं पानी देने के बाद में। तो आप सूर्या के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किस कैसी लगी आपको सूर्या? सूर्या ठीक है, मतलब अच्छी कह सकते हैं सूर्या को जी, सूर्या को अच्छी कह सकते हैं। दाना इसका सम्राट से थोड़ा बड़ा है जी, तो अच्छा है ये। अब दाना ये बड़ा है जी, ये बड़ा दाना है। इसमें इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सम्राट से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इसमें दवाई वगैरह कितनी स्प्रे कर दी आपने? ये मैंने 3 स्प्रे किए हैं इसमें जी, 3 स्प्रे किए हैं कीटनाशक के जी। ना फंगीसाइड डाला कोई, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता। मेरे को लगता भी नहीं कि जरूरत पड़ती है, मैं तो नहीं डालता भाई साहब। कीट वगैरह, मच्छर, इल्ली किसान के खेत में कुछ नहीं दिख रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह किसान कुछ नहीं देते हैं उसके बाद में जी। कीटनाशक 5 बार डालो, लेकिन अधूरी सी डाली, अच्छे से ना डाली तो वो बेकार। आप क्या चलाते हैं? मेरा पर एकड़ में 250 लीटर पानी चलता है स्प्रे में। एक एकड़ में 250 लीटर पानी से कम आज तक नहीं लगा। पहली तो हर स्प्रे में 250 लीटर पानी जी। दूसरा बात, जैसे 50 ml कोराजन डालना चाहिए एक एकड़ में, 50 से 55 हो जाएगी, मगर 45 ml नहीं होगी। तो डोज प्रॉपर दो, पानी पूरा यूज करो। आप 4 स्प्रे की जगह 3 स्प्रे में तो आप मतलब कोराजन ही चलाते हैं या इसका कोई भी टेक्निकल क्लोरेंट्रानिलीप्रोल? मैं कोराजन लेता हूं, साथ में जो है बदल देता हूं, कभी एसीटा ले लिया, कभी थायोमिथोक्साम ले लिया, बाइफ्रेंथ्रिन ले ली, मतलब वो फिर अपने ऊपर है कि जो आवश्यकता। अपन ये बीच में चले जहाँ 1641 लगी हुई है, इधर से आओ ना आप, मेड़ पे से फसल में से मताओ जी। देखें भाई साहब, ये अलग सलग वाला पौधा है, ये भाई साहब का पेड़ रखा गया अब भी इस पे, गलती से यार टूट गया यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप देखो आप ये वो ही मैं बता रहा हूँ। देखो दो एकदम जल्दी में दो फंग से टूट गया इसके पौधे के। अब आप इसमें देखो, ये तीसरा भी टूट गया है, ये भी ले ही लो अब आप। तो ये देखो 3 फंग से एक पौधे के, एक इसमें, 2 इसमें रह गए हैं, 2 3 4 1 सूर्या के पौधे में 5 फंग से। एक और बात देखो,
फलियां यहाँ से शुरू होना शुरू हो गई जी जी है ना जी, यहाँ तक जा रही है ऊपर तक जी। तो ये है मतलब इतना। अच्छा दूसरा एक और है, सम्राट की अपेक्षा इसकी फलियां थोड़ी लंबी है। हाँ ये कह सकते हैं। हाँ। एक तो दाना थोड़ा बड़ा जी, दूसरा फलियों के में दानों की संख्या दो, तो दो या तीन जी, दाने ये दाने मुझे दे दो आप है। ये भाई साहब ये आप कलगी देख के अंदाज लगा लो। ये देखो दो इसमें रेगा है, एक ये है, एक झुक्का इसमें है, एक झुक्का ये है, एक दो तीन चार, एक बन रहा है वो गिनती का नहीं है, चार पाँच पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, नहीं इधर बारह तेरह देख रहा हूँ अभी, चौदह पंद्रह सोलह, एक पौधे में सोलह झुक्के हैं और एक झुक्के में चार से पांच छह फलियां हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितने इंच पे बुआई थी जी? ये जो खड़ा है ना ये पेड़ जो टूटा नहीं है, अब देखिए अब आप इसमें ये नीचे भी है जी, नीचे भी है, ये भी है जी। अब इसमें आप देखिए तो कितनी हो गई, ये चार तीन सात और एक आठ हो गई, ये भी आठ की, ये भी आठ की, ये भी आठ की, नीचे भी है, तो मतलब इसको पर्याप्त मान सकते हैं जी, जी और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे बहुत जोरदार, में तो ये देख के ही दंग रह गया ना। ये कितने इंच पे बुआई की थी पटेल साहब? 12 इंच पे, 12 इंच पे बुआई की थी और 12 किलो 13 किलो के बीच, मतलब 12 13 किलो पर एकड़ का है ये बीज रह गया, 25 किलो बीज था जी, दो एकड़ में लगाया है। चलिए आगे आते हैं अपन जी, देखो अब जिसमें 8-10 फलियां हो रही है। हाँ नहीं नहीं बहुत जोरदार किस्म समझ में आई है, और आप बता रहे हैं फंगीसाइड नहीं डाला है, तो उस हिसाब से भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरूरत लगे तो डालू ना जी 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 जी, बाकी ऐसा नहीं है, मैं अनावश्यक कोई वो नहीं है कि नहीं भाई ये भी डाल दो वो भी डाल दो जी जी, जरूरत लगेगी तो अपने को फंगीसाइड की भी जानकारी है था नहीं, सही बात, लेकिन लगे जब ना। ये देखो आप ये यहाँ तो गिर गई ये बढ़ने के बाद में, इधर देखो अरे ये भी बहुत जोरदार दिख रही है, हाँ ये गिर गई है भैया देखो, बेले आने लगी, झुक गई मतलब ज्यादा कद ले लिया है, ये झुक गई है ये। अच्छा ये पीजीआर वगैरह ये टॉनिक फूल वाली फलाना ढिकाना कुछ नहीं डालते हो आप? लग रहा है कि डालना चाहिए था, नहीं मुझे तो देख के यही तो ताजुब हो रहा है ना, बस जो तेज वो कहते हैं तेज चलने वाले बेल को, और आप जो क्या क्या जरूरत है इसको? सही है बेल तेज चल रहा है और अपन जबरदस्ती आर मार रहा है तो वो तो फिर गर रहा है गई इधर उधर मुंडी मारे। अब आप देखिए देखो तो इसको आप मतलब ये भैया बगैर फपू नाशक वाले खेत, मात्र एक पौधा मुझे देख दिखा यहाँ पे, ये रूट रॉट है, ये है ना रूट रॉट ही बोलते हैं ना इसको, रूट रॉट है ये, और ये इसमें भी आया है। हाँ। और इसमें खैर कहीं नाम का दिख रहा है, बाकी कम है। 16-41 में हाँ वो अभी 16-41 तो भैया मैंने भी लगाई थी उसमें, मेरी में भी बहुत ज़्यादा है, और ये 16-41 के बगल में ही दिख रहा है यहाँ, 16-41 के बगल से चालू हो गया, मतलब ये फंगस हवा या कोई कारण है उस कारण से इस खेत में आ गई है। 16-41 हाँ हाँ ये 16-41 वाले प्लाट में आ गए भैया अपन अंदर, थोड़ा सा बिल्ला दिख रहा है प्लाट, और ये बिल्ला इसलिए दिख रहा है कि ये क्यों पटेल साहब फली देखो आप कितनी जानदार है 16-41 की, निपट गया ना उसमें। हाँ बिल्ट में, हाँ रूट रॉट में, हाँ वो ही तो, क्योंकि ये जब से लगा था ना। सुनो इधर आओ आप, आ रहा हूँ संयोग भाई एक बात और देखो जी, अगर ये इसमें एक रूट रॉट है निश्चित तौर पर, बाकी इसकी आप फलियों का साइज, हाँ सम्राट तो सम्राट सूर्या से ज्यादा है, अरे सूर्या से ज्यादा वो हम 16 का बोलते हैं बस, इधर सबसे बड़ी फली आती देखना, ये देखो उससे बड़ी, देखना जरा इनको देखना, इसकी फलियां, इनकी फलियां, इनकी फलियों की लंबाई, इनकी फलियों की जो लंबाई कम है क्या? देखो बहुत, ये तो ये सूर्या से भी ज्यादा है, सूर्या से ज्यादा है, बस थोड़ी सी रूट रॉट यानी कि अपना जड़ गलन या एकदम से। अब आप देखो इनमें से कौन सी फली छोटी है, चलो इतने बड़े झुक्के में तो कोई छोटी, गिनना कितनी फलियां एक झुक्के में,
जो तो सात है और इसमें दानों की संख्या देखो अब आप। नहीं ये पकी वाली लो ना पटेल साहब आप, ये वाली ये तो खैर छोटी वाली है। नहीं ये यही वाली, हाँ ये ले लो आप अभी ये। अच्छा मैं एक बात और पूछ रहा था, ये हैं इसके दाने, हाँ ये है इसके ये दाने, ये ले गए तो इसमें अगर ले गए उसमें भैया चार दाने गिर गए। तो खैर अपन दाने का साइज देखो, साइज भी देखो बोल्ड है एकदम। और बाकी इसमें रूट राट आया, हाँ अच्छा खासा आया, ये मुझे पसंद नहीं आई ये बात। नहीं हमारी जो फसल ये वाली लगाई है उसमें भी भयंकर है ये दिक्कत, पर आपका जो जो जितनी बेहतरीन आपके तो खेत में जो फलन हुआ है, ये जो मैं फसल फली है, में ये मैं नोटिस में लाया हूँ, ये मेरे खेत में इतनी बढ़िया नहीं फली है, विशेषज्ञों को नोटिस में लाया हूँ, उन लोगों के जिन लोग जिनने ये वैरायटी निकाली है जी, जी, जी। उनके नोटिस में ये बात लाया और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि आपने ये हमें फीडबैक दिया। हाँ नहीं ये तो उनको भी अच्छा लगा, मैंने भी अपनी हर एक नोटिस में लाया करी है। हाँ उनको तो ये कितनी डाली आपने पर एकड़ पे? दोनों सेम है, दोनों सेम है, 25 किलो ये थी 25 किलो वो थी, दो एकड़ में इसको लगाई, दो एकड़ में उसको लगाई, वो ही 12 इंच का इसका भी है, 12 इंच का वो है, अंतर सब पानी भी सेम है, दवाई भी सेम है, सब सेम है, अंतर बस एक ही निकला कि इसमें रूट राट आया जी, उसमें 2% रूट राट आया, आया उसमें भी जी जी, लास्ट पानी भाई साहब इसमें भी, इसमें रूट राट ज्यादा है, सूर्या में रूट राट कम है। जो पौधे बचे हैं जी उनमें आप देखो ये वो सूर्या इधर देखो बाप, वो सूर्या को मात कर रहे हैं, हाँ जो बचे हैं। नहीं तो हो सकता है अगले साल रूट राट नहीं आए और ये सूर्या से ज्यादा अच्छी पैदा हो। अब देखो अपने को मतलब इसको एक चांस और देना चाहिए ना, ये देखो फलन, देखो हालांकि पौधे कम है मगर फलन और फलियों का साइज देख के मैं कहूंगा कि बहुत जोरदार है जी। थोड़ा सा फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेने में बुराई नहीं है, तो एक गलती मैं भी अपनी मानूं कि मेरे को अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने नहीं किया, थोड़ा सा अगर फंगीसाइड एक डाल दें अपन तो उससे ना जरूरत हो तो भी अच्छा रहता है, तो ये मैं अपनी कमी मानता हूँ, महसूस नहीं की, अब समझ में आ गया अगले साल अपन। नहीं नहीं हमने आप मजाक मानोगे पटेल साहब, देखो जी देखो अब इसमें दानों की संख्या फलियों की संख्या जरा देखो, ये इस मामले में तो अच्छी हुई है जी। अब ये आप जो देख रहे हो ये फली का साइज क्या कम है, जरा कम है साइज मेरे ख्याल से। अब आप एक काम करिए अपन दानों की संख्या भी तो गिन ले, हाँ एक फली में कितने दाने, एक फली में कितने दाने हैं, चार तो ये हो गए है ना, चार ये हो गए हैं और वो एक नीचे, चलो कोई बात नहीं, वो नीचे गिरा है वो तो गया, ये मिल गया मिल गया, चार पांच नौ चार 13 दाने 14 वो भी मीडियम साइज, नहीं बढ़िया बढ़िया साइज तो बढ़िया है इसको। तो भाई साहब यहाँ पटेल साहब कह रहे थे मेरी फसल गड़बड़ है और कोई देखने से मतलब नहीं है, मैंने कहा जो भी हो अपने को सिर्फ पौधे देखना है और यहाँ मैं पौधे देखने आया तो मेरी तो हो गई आत्मा खुश। अब वो मुझे ये नहीं मालूम पटेल साहब जो दिखाना नहीं चाह रहे थे मैं ये नहीं जानता, मगर दोनों फसलें बहुत जोरदार लगी हुई है और कम से कम इनने फफूंदनाशक तो डाला ही नहीं, कीटनाशक के मात्र शायद तीन स्प्रे में और प्रॉपर और तरीके के कितना है, 250 लीटर पानी स्प्रे में लेते हैं पटेल साहब। अब आप लोग कहते हो ना हमारी मारू का नहीं मरी भैया, तो ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, मैं यही कहता था आपसे कि क्यों नहीं मरी यार बताओ तो, आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। पटेल साहब भोपाल से आके यहाँ पे किसानी करते हैं और एक नंबर किसानी करते हैं, बोलने में बेबाक व्यक्ति है, एकदम खड़ा कुछ भी बोल देते हैं लोगों को बुरा लग जाता है, पर भाई साहब मुझे बहुत पसंद है ये व्यक्ति और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद से ये आपको भी पसंद आने लगेंगे। आप पटेल साहब किसानों कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दो चार शब्द? क्या शब्द कहना, एक बात है संयोग भाई, कोई सा भी बिजनेस हो या कोई सा भी कर्म हो अपना तरीके से करना चाहिए जी, आधे अधूरेपन ऐसे नहीं करना, अपन खेती कर रहे हैं तो उसको तरीके से करो। सही बात है, बहुत सही बात है। आप कोई एक दुकान डालते हैं, आप कोई एक फैक्ट्री डालते हैं, उसको आधे अधूरे पने से चलाओगे तो मिट जाएगी जी, खेती भी तो वही है, सही इसको बात तरीके से करो ना। आप सबसे टॉप में ना जा सके तो टॉप वालों में तो शामिल होने कोशिश, तो ये
करना चाहिए। सही उसके लिए कुछ बहुत कुछ चीजें लगती भी हैं, ऐसा नहीं है केने भर से ताप खेती होती भी है। सही बात है, है? तो उनको उनका प्रबंध करो। सही बात है। अब आप देखो, मैं देखो ना, हाँ नहीं नहीं वो तो नहीं, सब इसमें बढ़िया। इसमें आप देखो, इसमें तो शायद 10 फली है। हाँ, 4 4 8 2 10 10 10 एक में ही है, ये अलग है, इसमें 10 फली है, 4 दिए। सही बात है, 4 8 9 10 जी। अब एक आखिरी सवाल आता है, धान लगाते हैं, धान के सीजन में किसानों के लिए छोटा सा, अपन धूप में खड़े हैं, 11:30-12 बज रहे हैं, अपन अपना विराम शब्दों को देके चलेंगे, धान के लिए किसानों के लिए सबसे अच्छी किस्म इस समय पे कौन सी हो सकती है, आप ये बता। नहीं देखो, ये आप अपने खेत के हिसाब से जी, अपनी अनुकूलता के हिसाब से चयन करो। धान की लगभग सभी किस्में अच्छी है, जैसे जैसे अब आपके यहाँ पे अगर आप जून के लास्ट वीक में धान लगा लेते हैं तो फिर 1401-1886 ये अच्छी किस्म है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग जुलाई में होती है तो फिर ये बिल्कुल आपके लिए बेकार किस्म है। तो आप अपने समय के हिसाब से, अपनी जमीन के हिसाब से, पानी की उपलब्धता के हिसाब से किस्मों का चयन करो जी। अब मैंने पिछली साल 16-92 लगा दी, जून के लास्ट डे में जी वो गिर गई क्योंकि बारिश लंबी चली गई। तो ये थोड़ा अपने को देखना चाहिए कि कौन सी किस्म कहाँ किस खेत में लगाएं। ये मेरा खेत कच्चे रास्ते में है, इसमें अगर मैं जल्दी वाली। अच्छा, आपने पिछले साल कौन सी किस्में लगाई? 1847। कितना एवरेज आया उसका? मेरा कम निकला, 23 कुंटल का निकला था, जबकि मैंने उसको लगाई थी 25 प्लस पहुंचूंगा, और वो दिख भी रही थी, लोग भी आके कह रहे थे जब इनका कम से कम एवरेज इसलिए निकलता है, मेरा भी निकलता है क्योंकि हम कम से कम यूरिया में और बेमतलब का फिजूल खाद की खर्ची ना करते हुए मैंने भी वो ही सिस्टम अपनाया है। हम लोग कम से कम में पौधे को ज़्यादा डोज ना देते हुए हम लोग एवरेज लेने की कोशिश में रहते हैं। सही बोल रहा हूँ? हाँ, यही करना भी। तो भाई साहब, वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे और भी किसानों से मिलना जाना है, तो मैं आज्ञा चाहूँगा आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊँगा। रोहित दीवान जी के खेत में भी जा रहा हूँ मैं, पथोड़ा गांव में, तो हम रोहित दीवान जी की फसल भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय राम जी की।